दो क्विक इंडियन टैलेंट को साइन करने के बाद आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपने फॉरेन रिक्रूटमेंट पर फोकस कर रहे हैं। डेशॉन ब्राउन को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर पेश करने के बाद रूमर्स के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जमशेदपुर एफसी के स्ट्राइकर नेरियुस वास्किस के साथ बातचीत कर रहे हैं एंड दिस इज समथिंग जिसके बारे में बात करना वाकई बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ शर्मा और चलिए इस इंट्रो के बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अभी तक दो फॉरेन प्लेयर को अपने टीम में शामिल कर लिया है और ये एक कंफर्म अपडेट है। जी हां, खासा कमारा और मैथायस कोरिड के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक डील साइन किया है और ये दो प्लेयर्स अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से फुटबॉल खेलेंगे। यहां पे आप डिलान फॉक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफर मार्केट के मुताबिक मई 2022 तक डिलान फॉक्स का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ है, तो जाहिर सी बात है अपकमिंग सीजन में डिलान फॉक्स भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको यह बताया था कि फेडरिको गायगो और डेशॉन ब्राउन भी अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों प्लेयर्स के बारे में अभी तक कोई कंफर्म अपडेट नहीं आया है। क्योंकि अगर आप खासा कमारा की बात करें तो खासा कमारा के बारे में खेलनाओ ने हमें बताया था, मैथायस कोरियर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह दे दिया था कि वो अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से फुटबॉल खेलेंगे। डिलान फॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम ये कह सकते हैं कि अपकमिंग सीजन में डिलान फॉक्स भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिगार्डिंग फेडरिको गायगो एंड डेशॉन ब्राउन, अभी तक कोई कंफर्म अपडेट नहीं आया है, जिसका मतलब यही है हम यकीन से ये नहीं कह सकते कि फेडरिको गायगो एंड डेशॉन ब्राउन अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर फेडरिको गायगो को अपने उरुग्वे से ही किसी एक क्लब का एक बेहतर ऑफर मिल जाते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली फेडरिको गायगो विल कंसिडर दिस। अगर डेशॉन ब्राउन को किसी अन्य ISL क्लब से एक बेहतरीन ऑफर मिलते हैं तो शायद डेशॉन ब्राउन वो ऑफर कंसिडर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कैन नॉट टेक डेशॉन ब्राउन एंड फेडरिको गायगो फॉर ग्रांटेड। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अब क्या कर रहे हैं, बाकी फॉरेनर्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं एंड द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट इज नेरियुस वाल्स्किस। दोस्तों, ये एक नियरली इम्पॉसिबल डील है। नेरियुस वाल्स्किस जमशेदपुर एफसी का एक बहुत ही अहम खिलाड़ी है। जी हाँ, जमशेदपुर एफसी किसी भी हाल में नेरियुस वाल्स्किस को जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को नेरियुस वाल्स्किस को ही साइन करना है तो क्लब को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ऑफर पेश करना पड़ेगा। This brings me to the situation of 2007, जहां पर आर्सेनाल के पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाय करने का मौका था। लेकिन दोस्तों, आर्सेनाल ने वो पैसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर इन्वेस्ट नहीं किया, आर्सेनाल ने वो पैसा इन्वेस्ट किया अपने स्टेडियम के रिकंस्ट्रक्शन पर। और अभी दोस्तों, फिलहाल आर्सेनाल के पास दुनिया के वन ऑफ द बेहतरीन स्टेडियम एमिरेट मौजूद है। जी हाँ, आर्सेनाल ने रोनाल्डो को खो दिया था, लेकिन आर्सेनाल के पास क्या आ गए, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने हाल ही में अपने वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेयर अपुया को जाने दिया था। मुंबई सिटी एफसी ने अपुया को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से खरीद लिया था एक ट्रांसफर फी के बदौलत। और दोस्तों, वो ट्रांसफर फी बहुत एक बड़ा अमाउंट है, which is the biggest amount in Indian football regarding Indian player। और यहाँ पे दोस्तों, वही ट्रांसफर फी आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपने फॉरवर्ड को बोल्स्टर करने में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी लॉस्ट अपुया, बट दे माइट विन इंडियन सुपर लीग दिस टाइम। क्या ये स्टेटमेंट बहुत बोल्ड हो गया है? जो भी हो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपुया को जरूर खो दिया है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास बेहतर से बेहतर प्लेयर को अपने टीम में शामिल करने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जहां तक नेरियुस वाल्स्किस की बात है, आई थिंक नेरियुस वाल्स्किस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉरेनर इन इंडियन फुटबॉल राइट नाउ। लास्ट सीजन जमशेदपुर एफसी की तरफ से उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस पेश किया था, उससे पहले चेन्नई एफसी के साथ उन्होंने बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेले थे। जी हाँ, गोल्डन बूट का अवार्ड नेरियुस वाल्स्किस जीत चुके थे। और अगर आप ओवरऑल ISL रिकॉर्ड की बात करें तो इंडियन सुपर लीग में नेरियुस वाल्स्किस ने अभी तक 23 गोल डाल चुके हैं। जी हाँ, उनका जो रिकॉर्ड है इंडियन फुटबॉल में वो काबिले तारीफ है। हाल ही में दोस्तों, लिथुआनिया नेशनल फुटबॉल टीम के लिए भी
नेडियस वास्किस को सिलेक्ट किया गया था। तो दोस्तों 33 साल का वो जरूर है, लेकिन अभी भी दोस्तों उनमें फुटबॉल खेलने का काबिलियत जरूर है। और दोस्तों अभी भी नेडियस वास्किस अपने प्राइम में है, तो इसीलिए अपकमिंग सीजन में अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नेडियस वास्किस को साइन करने में सक्षम होते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन साइनिंग होगा। लेकिन क्या वाकई में ये हो पाएगा, ये सबसे बहुत ही बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की बात करें तो लास्ट सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास इद्रिसा सिला जैसे फॉरवर्ड थे। इद्रिसा सिला भी बहुत ही एक महंगा खिलाड़ी थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इद्रिसा सिला पे वो पैसा इन्वेस्ट किया था। इससे पहले अगर आप 2019-20 सीजन की बात करें तो 2019-20 सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मैक्सिमिलियानो बारेरो को अपने टीम में शामिल किया था। एंड याद रखिएगा, मैक्सिमिलियानो बारेरो भी एक बहुत ही महंगे खिलाड़ी थे। तो ऐसे में दोस्तों महंगे से महंगे खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो टीम के कॉस्टलीस्ट प्लेयर होते हैं वो हमेशा टीम को डिसअपॉइंट करते आए हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नेडियस वास्किस के ऊपर मनी इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता नेडियस वास्किस टीम को डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि नेडियस वास्किस नॉट एन अननोन प्लेयर। जी हाँ, लास्ट दो सीजन से वो आईएसएल में खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट 38 मैच वो इंडियन सुपर लीग में खेल चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। और नेडियस वास्किस को हम सभी ने देखा है, अगर आप इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं तो आपको नेडियस वास्किस के बारे में पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों नेडियस वास्किस इज अ वेरी गुड प्लेयर नो डाउट, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपकमिंग सीजन में नेडियस वास्किस के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नेडियस वास्किस को साइन करने के लिए क्लब को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट रूमर है उसके मुताबिक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट नेडियस वास्किस के एजेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के रिप्रेजेंटेटिव नेडियस वास्किस के एजेंट के साथ डिस्कशन करने में सक्षम रहते हैं, देन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी विल अप्रोच जमशेदपुर एफसी रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे दोस्तों अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को जमशेदपुर एफसी से एक एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, एंड दैट विल डिमांड अ लॉट ऑफ ट्रांसफर फी। दोस्तों अब नेडियस वास्किस का फ्यूचर क्या होता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके बारे में आने वाले समय में बहुत सारे अपडेट्स निकल के जरूर आएंगे। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जल्द से जल्द नेडियस वास्किस को अपने टीम में शामिल कर ले, ताकि अपकमिंग सीजन में फिर से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इंडियन सुपर लीग के प्लेऑफ में पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अलविदा।